हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है टेक एसके चैनल ऑनलाइन में। आज आपका फिर से दोस्तों, यदि आप भी दोस्तों एक नई यूट्यूबर है तो दोस्तों, और आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो दोस्तों वॉइस में जो आपका रिकॉर्डिंग करते हैं दोस्तों, उसमें जो है नॉइस जो है बाहर का रिएक्शन ज़्यादा आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि दोस्तों हम वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद अपना वॉइस एडिट जो है किस ऐप से करें दोस्तों। सो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो की भावना में खो जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दोस्तों कि यदि जो है हमने वॉइस जो है रिकॉर्ड कुछ इस तरह से, मेरे दोस्त आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ वॉइस लेक्सिस रिकॉर्डर से जो है एडिट करने के बाद कुछ इस तरह से बताने वाला हूँ सुनाई जाएगा। तो दोस्तों यदि आप भी प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, ताकि आपको फुल डिटेल में समझ में आ जाए। सो दोस्तों बिना देरी के चले शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो दोस्तों सबसे पहले हम अपने मोबाइल स्क्रीन में आएंगे। मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद फ्रेंड जो हमने प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। सो फ्रेंड उसके बाद सर्च आइकन पर हमने क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे लेक्सिस रीडर, लेक्सिस रिकॉर्डर ऑडियो एडिटर। सो फ्रेंड लेक्सिस ऑडियो एडिटर टाइप करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। सो फ्रेंड हमने पहले से यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, तो फ्रेंड इसको हमने ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने ओपन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। सो फ्रेंड उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे लेक्सिस ऑडियो एडिटर जो है यहाँ से ओपन हो चुका है। सो फ्रेंड उसके बाद हमने यहाँ पे ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने ओपन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का जो है फाइल यहाँ पे शो करेगा। सो फ्रेंड उसके बाद जो है यहाँ पे हमने जो भी ऑडियो को रिकॉर्ड करके रखा है वहाँ से इसको चूज करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद जो है कुछ इस प्रकार से जो है हमारा ऑडियो यहाँ पे सिलेक्ट ओपन करके भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड ऑडियो जो हमारा कुछ इस प्रकार से चल रहा है स्पीड, जिससे सो फ्रेंड उसके बाद जो हमने यहाँ पे आपके दिल में संघर्ष करने की भावना जो है वो जाग उठेगी। सो फ्रेंड चलिए शुरू करते आज का ये वीडियो। स्टॉप कर लेना। स्टॉप करने के बाद फ्रेंड जो हमारा ऑडियो कट कट के आ रहा है उसको फ्रेंड जो हमने यहाँ से सेलेक्ट करके जो इसको हमने बीच बीच में कट कर देना है, कट करके ऑडियो को अच्छे से एडिट करेंगे। सो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं कट करना। सो फ्रेंड अभी यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको जो है यहाँ से ले जाएंगे जो खाली स्थान है, इसको हमने यहाँ से इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इफ़ेक्ट पर क्लिक करने के बाद कट हमने कर देंगे। सो फ्रेंड दोबारा अगेन बारी बारी से फ्रेंड ऐसे ही कर लेंगे, जहाँ गैपिंग है उसको हमने कट कर देंगे। सो फ्रेंड कट करने के बाद जो है इस तरह से सब जगह जो हमने यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद फ्रेंड जो हमने हमारा वॉइस जो है अच्छे से कुछ हो जाएगा। सो फ्रेंड उसके बाद जो है यहाँ से हमने सब कुछ जो है कट कर लेना है, ऑडियो को जहाँ जहाँ से हमारा ऑडियो कम आया है वहाँ से हमने हर जगह से कट कर लेना। कट करने के बाद फ्रेंड जो हमने यहाँ से ओपन करके देख लेना है मेरे दोस्त। सो फ्रेंड हमारा ऑडियो कुछ इस प्रकार से चल रहा है। उसके बाद फ्रेंड जो हमने दोबारा सेलेक्ट करना है, दोबारा सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड जो हमने यहाँ से इफेक्ट पर हमने क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड हमने इफेक्ट पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। सो फ्रेंड उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे जो है इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर पर हमने क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला फ्री एम्पलीफायर को 3D में ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से प्ले करके हमने यहाँ से देख लेते हैं और अप्लाई कर देंगे। सो फ्रेंड हमारा जो है यहाँ से ऑडियो जो हमने रिकॉर्ड किया था मेरे दोस्त वो थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजिंग आ गया है। सो फ्रेंड देखिए यहाँ से इसमें कुछ सुनाई दे रहा है इस प्रकार से, आप सुनकर आपके दिल में संघर्ष करने की भावना जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। उसके बाद जो है हमने दोबारा जो है सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जो है हमने इफेक्ट पर दोबारा क्लिक करेंगे। जैसे इफेक्ट पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। सो फ्रेंड स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद रिवर पर हमने क्लिक करेंगे।
जैसे रिवर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करके जो हमने यहाँ से सुन लेते हैं और उसी प्रकार से जो हम एडजस्ट कर लेंगे रूम साइज सुनकर रिवर टाइमिंग जो भी फ्रेंड उसको हमने सेट कर लेंगे। जैसे हमने सेट करेंगे तो उसके बाद अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जो है वॉइस कुछ इस प्रकार से अच्छी तरीके से एडिट हो चुका है। सो फ्रेंड मेरे दोस्त आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने ये देखिए फ्रेंड काफ़ी अच्छी तरीके से जो हमारा वॉइस जो है ये एडिट हो चुका है। उसको हमने ओपन करके देख लेते हैं। सो फ्रेंड उसके बाद फ्रेंड जो है हमने फिर इफेक्ट में आएंगे। इफेक्ट में आने के बाद जो है नॉर्मलाइज पर हमने क्लिक करेंगे। जैसे नॉर्मलाइज पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोबारा हमने इसको प्ले करके देखेंगे। सो फ्रेंड इस प्रकार से जो है हमारा जो है आइडियो जो है ये प्रोफेशनल तरीके से एडिट हो चुका है। सो फ्रेंड इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस तीन सेटिंग करना है और आपका जो है आइडियो जो है वो प्रोफेशनल तरीके से जो है वो एडिट हो जाएगा। सो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।